भारत की शान। केले की मिठास हो, भारत का इतिहास हो, सत्तू की महिमा हो या सांस्कृतिक गरिमा हो, गंगा किनारे की इस उर्वरा भूमि में मेहनत भी है, स्वाद भी और एक अलग अंदाज भी। हम मौजूद हैं उस शहर में जहां हर दौर में भारत का इतिहास आकार लेता रहा है। हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, और पटना का नाम आते ही यदि आपके मन में लिट्टी चोखा आता है, लिट्टी चोखे का ख्याल आता है, तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि बिहार का स्वाद लिट्टी चोखे से भी कहीं आगे है, बहुत आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जब भी बिहार की बात होती है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी प्राचीन शैक्षणिक संस्थान का नाम आता है, जिसकी बदौलत भारत की शिक्षा व्यवस्था समृद्ध हुई। हरी भरी भूमि नजर आती है और नजर आता है सत्तू, जिसके बिना बिहार और बिहारी दोनों ही अधूरे हैं। बिहार में सत्तू की कहानी सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, यह यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि आप पटना में हैं तो भोला जी से जरूर मिलिए और इनका सत्तू जरूर पीजिए। हम यहाँ पर आए हैं भोला जी, जी कितने गिलास आप सत्तू लोगों को पिला देते हैं पूरे दिन में? 100-200 गिलास 200-300 गिलास। तो ये सत्तू आपका मैं देख रहा हूँ कि कई सारे आइटम इसमें डाल के आप बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं इसमें? जीरा है, मिर्चा है, नींबू है, प्याज है, गोलमिरीच है। इतना सब आइटम डालने के बाद इसका कीमत सिर्फ 12 रुपये एक ग्लास का है? जी 12 रुपये सर। अच्छा, सत्तू आप चने का ही यूज़ करते हैं? जी चने का। अच्छा, सत्तू आप क्या मतलब कहाँ से, बाजार से लेते हैं, खुद बनवाते हैं, क्या करते हैं? सत्तू बनवाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आपने कब इस काम को शुरू किया था और कितना जो है ये क्रेज़ है, लोग आप ही का सत्तू पीने क्यों आते हैं? सर बढ़िया लगता है, टेस्टफुल लगता है, तो लोग आते हैं पीते हैं, बढ़िया टेस्ट बुझाता है, बढ़िया सामान बुझाता है, तो आते हैं पीते हैं सर लोग। आपको कितना समय हो गया इस काम को करते हुए? इसको हमको हो गया सर करीब 15-16 साल। अच्छा, तो एक बार बताइए, पहले जौ का सत्तू भी उपयोग में लाया जाता था, अब नहीं यूज़ में होता है? जौ सर बहुत उसमें मेहनत है, जौ के तैयारी करने में बहुत कठिनाई है। बिहार में अगर सत्तू घुलते हुए दिख जाए तो समझ लीजिए कि गर्मी आ गई है, अब शरीर को ठंडा रखना होगा और कम से कम 2.5 से 3 महीने सत्तू पीकर ही दिन शुरू किया जाएगा। सत्तू है ही ऐसी मजेदार चीज, नमक नींबू प्याज डालकर पीजिए तो ऐसा लगता है मानो दिन भर की ऊर्जा शरीर में जमा कर ली हो, और गुड़ और चीनी के साथ राब बनाकर अगर सत्तू को पी लिया तो सौंधेपन के साथ मिठास ऐसी घुलती है कि दिन भर चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। यही तो है सत्तू की महिमा। पूरे उत्तर भारत में सत्तू को गरीब का भोजन कहकर परोसा जाता रहा है, लेकिन असल बात तो यह है कि मेहनत करने वालों को चने और जौ का सत्तू ही गर्मियों से बचाता है। अब हमारे समाज में मेहनतकश तो किसान और मजदूर ही रहा है, इसलिए सत्तू गरीबों का भोजन बनकर रह गया। वास्तव में देखा जाए तो अपने औषधीय और ऊर्जा देने वाले गुणों की बदौलत सत्तू हर किसी के लिए जरूरी भोजन है। वैसे ये जितना ताकतवर है उतना ही सुपाच्य भी है, बस खाने के दौरान कुछ नियमों को याद रखना होता है। सत्तू का शरबत पीना हो तो दोपहर के पहले पी लें, दोपहर को भी पिया जा सकता है लेकिन शाम को बिल्कुल नहीं।
वैसे भी ऊर्जा की जरूरत तो दिन में ही होती है। चटनी से सत्तू खाना है या फिर मसालेदार सत्तू को पीना है तो दिन का समय बेहतर है। अगर रात में सत्तू खाने का मन हो तो फिर पूड़ी, पराठा या फिर लिट्टी बनाइए। सत्तू का इतिहास काफी रोचक और पुराना है। कहा जाता है कि मगध की सेना ने इसी सत्तू के भरोसे कई मोर्चे फतेह कर लिए थे। फौज के लिए सत्तू से अच्छा भोजन और क्या हो सकता था। पौष्टिक भी, जल्दी पचता भी है और जल्दी खराब भी नहीं होता। यही वजह रही होगी कि 1857 की लड़ाई में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने सत्तू को अपने सैनिकों के खाने के तौर पर चुना था। इसे फूड फॉर सर्वाइवल कहा गया। खास बात यह है कि सत्तू को खाने के लिए ज्यादा तामझाम नहीं करना होता। एक चम्मच और गिलास भर हो पानी तो कहीं भी मिल जाता है। बस घोला और पी लिए, दिन भर की फुर्सत। देश भर में इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। हिंदी, मराठी और पंजाबी में ये सत्तू कहलाता है, तो सिंधी में इसे सांतू, कश्मीरी में सोतू, गुजराती और कुमाऊं में इसे सातू और भोजपुरी सहित तमाम पूर्वी बोलियों में सतुआ कहते हैं। संस्कृत में सत्त का अर्थ होता है अनाज को भूनने के बाद पीस कर बनाया गया आटा। जिस तरह सत्तू बिहार की पहचान है, उसी तरह यहाँ का एक और स्वाद है जो बिहार की शान है। वह है छोटे साइज का केला। फिर चाहे वो चीनी जैसी मिठास लिए हुए चीनिया केला हो या फिर भगवान के भोजन के तौर पर पहचान रखने वाला मालभोग। ओ, जैसे भगवान कृष्ण का भोग लगा हुआ केला है, ये चलते उसका बहुत माने की प्रसिद्ध केला है। हाँ, भगवान कृष्ण का भोग लगा हुआ केला है। उसमें अलग क्या होता है, क्या अलग होता उसमें है? खासियत ये है कि आपको खास्ता ज्यादा होता है और उसका और सुंदरता बहुत ज्यादा है। टेस्ट भी बढ़िया है। बाजार में आपको 150 से लेकर के आपको 300 रुपये दर्जन तक केला मिलेगा मालभोग। अभी कम रेट है, लेकिन वो जो रेट जब हाई होगा ये सावन, आषाढ़ सावन वाला में, तो आपको 300 रुपये दर्जन तक मिलेगा वो केला। चिनिया तो कभी वैशाली की पहचान था। इसके अलावा अल्पान और मुठिया प्रजाति भी अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। यहाँ के ज्यादातर किसान इन दिनों अल्पान और मुठिया की पैदावार ही लेते हैं। पटना से लगे बिदुपुर प्रखंड के सेतपुर गांव के किसान इस इलाके में केले के सबसे अधिक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ केले की सभी प्रजातियों का उत्पादन किया जा रहा है। केला तो 5-7-8 किस्म का है। अच्छा, हाँ, यहाँ आपके यहाँ कितने किस्म का केला है? यहाँ जो है आपको चिनिया में 3 क्वालिटी होता है, और एगो आपको बतीसा होता है, एक बरसौना होता है, एक मुठिया होता है और एक अल्पान होता है। बतीसा में 2 क्वालिटी है, एक बड़ा क्वालिटी होता है जिसमें 32 हत्था होता है, और एक क्वालिटी होता है जिसमें 6-5 हत्था होता है। तो उसमें आपको जो भी मिलेगा से मोटा केला मिलेगा। हाँ, ये हुआ आपको ये मुठिया केला। मुठिया केला यही क्वालिटी के होता है, एक क्वालिटी और इसमें है, तो वो जो होता है उसका नाम है बरसौना। तो वहाँ यहाँ नहीं मिलेगा, वो देहात एरिया में मिलेगा। चिनिया में 3 क्वालिटी है, एक बड़हड़ी, एक कंथाली और एक खरचिनिया। दरअसल केला एक लंबी अवधि वाला पौधा होता है, जिसकी पौध को बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती। फसल ये साल में 2 बार देता है। एक अगर पौधा आज लगा दिए तो लगने के बाद साल भर के बाद ये पौधा माने कि फलेगा। साल भर इसको तैयारी होने में लगता है, और एक पौधा जो है तैयारी होगा उसको बाद एक कट जाएगा। कट जाने के बाद फिर दूसरा पौधा तैयारी होगा। ये दूसरा पौधा तैयारी होने के बाद जो है से आपको तैयारी होते जाएगा, फिर एक नीचे से कांधी देगा, वो तैयारी होगा साल साल भर पर। हाँ हाँ, उसी से निकलेगा पौधा। अलग से नहीं, नहीं नहीं, अलग से नहीं, एक ही कांधी से निकलेगा। एक ही कांधी से, हाँ, निकलता जाएगा। एक ही जड़ से, जैसे अब वो लग गया ना तो उसी के जड़ से बढ़ते जाएगा, उसका केला फलते जाएगा और कटते जाएगा।
गंगा का ये किनारा सेहतमंद चीज़ों से भरा हुआ है। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको खिलाएंगे शानदार पिट्ठा जिसमें तेल एक बूंद भी नहीं लगता। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक से पहले हमने आपसे वादा किया था कि आपको बिहार का अपना कुछ खास खिलाएंगे। वो लिट्टी चोखा नहीं है, क्योंकि लिट्टी चोखा तो पूरे उत्तर भारत में ही प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं पीठा की, और पीठा जो है सुहानी जी ने हमको आमंत्रित किया है पीठा खाने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है पीठा। तो सोहानी जी, पीठा क्या है और ये कैसे बनता है? मीठा होता है कि नमकीन होता है, पहले ये बताइए। मीठा भी होता है, नमकीन भी बनता है, मीठा नमकीन दोनों तरह से बनता है। दोनों तरह से बनता है। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपने चूल्हा जलाने के बाद इसमें पानी गर्म करने के लिए रखा है काफी, तो इसमें पहले क्या करेंगे आप? पहले ये वाला गर्म पानी से हम ये वाला आटा है चावल का आटा रखा है जी। हाँ, चावल का आटा हम रखने, उसके बाद ये गरम पानी है इसमें डाल के उसके बाद गूंदेंगे ये वाला आटे को जी। उसके बाद गूंद के इसको गोल गोल बनाएंगे। तो इसको गरम पानी से क्यों गूंदते हैं आप, ठंडे पानी से क्यों नहीं गूंद सकते? नहीं, ठंडे पानी से नहीं कर सकते, ठंडा पानी से करेंगे तो नहीं बन सकता है। अच्छा, हाँ, तो ठंडे पानी से चूंकि चावल का आटा है तो चावल का आटा है टूट के बिखरने का डर है पानी में जी। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले इसको गूंथेंगे जी। तो ठीक है, पहले हम लोग आटा गूंथ लेते हैं। तो ये आटा जो आपने लगाया गरम पानी से, ये इसको थोड़ा सा हार्ड सानते हैं, थोड़ा सा कैसा रखते हैं? हार्ड थोड़ा सा इसको हार्ड रखते हैं जी। तो उसके पीछे क्या कारण है हार्ड रखने के पीछे? ज्यादा मतलब इसके पानी ज्यादा डाल देंगे तो अच्छा मतलब नहीं बनेगा, इसमें हार्ड ही रहना चाहिए आटा है ना। हाँ। जो ये चावल का आटा है। हाँ। ये थोड़ा हार्ड ही गूंदाता है, चावल का आटा तो थोड़ा सा कड़ा ही सनता। हाँ। है चोखा, ये आपने कुछ आलू का मसाला रखा हुआ जी है। इस मसाले को कैसे तैयार किया है आपने? ये इसमें कच्ची मिर्च और प्याज और मसाला ये सब, मतलब हल्दी, जैसे आलू की सब्जी बनती है उसी तरह से। हाँ, या जैसे समोसे का मसाला बनता है उसी तरह। एक तरह से उसमें फिलिंग के लिए आपने आलू का मसाला तैयार किया हुआ जी। तो आप जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहें कि इसको वो अपने स्वाद से इसमें प्याज लहसुन मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक आलू का मसाला है उसके लिए जी। ठीक है, ये आटा आपने तैयार कर लिया है, अब इसमें इसको पहले आप मसाले की फिलिंग करेंगे जी। मसाले तो पहले कौन सा बनाएंगे, मीठा या नमकीन? पहले नमकीन बनाएंगे। अच्छा, इसको इसी तरह से घुमा के उसको एक क्या कटोरी टाइप उसको आकार दे देंगे छोटा सा जी, कटोरी आकार। तो मसाला आपने थोड़ा सा ही भरा है, ज्यादा भरने में इसके मतलब फटने का डर है या? फटने का डर है। तो जो आमतौर पे जो पीठा बनता है उसका ये इस तरह से साइज यही होता है या बड़ा छोटा भी बना? बड़ा छोटा भी दोनों बना सकते हैं जैसे। हाँ। तो ये जो मसाला आपने भरा, ये एक तरह से जैसे लिट्टी में भरा जाता है मसाला, उसी तरह से होता? हाँ, लिट्टी में जैसे भरा जाता है ना। हाँ। उसी तरह भरा जाता है इसमें भी। और ये पहले नमकीन बना है लेकिन ये इसी तरह से बनाएंगे, ये थोड़ा सा लंबा आकार का दिख रहा है। इसी तरह बनता है, लट्टू के आकार जैसा लंबा भी बना सकते हैं। हाँ। अपना गोल भी बना सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, लंबाई में भी बना सकते हैं? लंबाई में बना सकते हैं, गोली आकार तय आकार जैसा, हाँ जी, चाहे जैसा बनाइए जैसा बना सकते हैं। यह बन गया। अच्छा, इस तरह से ये तैयार कर लेंगे पहले इसको? ठीक है। अब ये गुड़ है और इसमें नारियल पाउडर है। अच्छा, मीठे में क्या क्या मसाला डाला है? गुड़ और नारियल? नारियल पाउडर है बस, गुड़ और नारियल दो चीजें हैं। हाँ, दो चीज है। अच्छा, आजकल हर चीज में लोग ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, बादाम काजू वगैरह? बादाम, हाँ, इसमें मतलब कि अपना तरीका से अपने आकार से कुछ भी डाल सकते हैं। बादाम भी डाल सकते हैं इसमें, किशमिश वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल तरीका था पिट्ठा बनाने का, पहले तो काजू बादाम वगैरह नहीं डालते थे, गुड़ और हाँ, सिर्फ गुड़ से ही बनता था, सिर्फ गुड़ से बनता था जी। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल वही एक ट्रेडिशनल तरीके वाला खाएंगे। तो इसमें आप मीठा मसाला डालेंगे? मीठा मसाला डालेंगे। ये भी उसी तरह से इसको फिल करके पैक कर देंगे? हाँ, ये भी पैक कर देंगे इसी तरह। ठीक है, लेकिन फिर दोनों एक जैसे ही नजर आएंगे, पता कैसे चलेगा मीठा कौन सा है नमकीन कौन सा है? खाने के बाद पता चलेगा ना। टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा। तो मतलब एक अंदाज से प्लेट पे रखा है, तो आप कैसे परोसेंगे कि आपने मीठा परोसा है कि नमकीन परोसा है, पता कैसे चलेगा? ये मतलब कि अलग अलग से करेंगे, इसका आकार भी बदल सकते हैं। जैसे ये आकार भी आप बदल देंगे? हाँ। ठीक है, तो आकार बदलना एक हमारे हाथ में है कि हम उसको किस आकार किस तरह से, ये हमारी कलाकारी पे निर्भर करता है कि कितना अच्छा आकार आप दे पाते हैं। तो ये पीठा जनरली कब बनता है? ये होता है त्योहार पे बनता है या जब मन करता है? मतलब बना सकते हैं जब मन करता है। ये पूस में ज्यादा अधिकतर बनता है, पूस में ज्यादा जी। हाँ, पूस में बना जाता है ये, मतलब पूस में बना जाता है ये, सबके घर में बना जाता है ये। अच्छा। हाँ, पीठा और खीर बना जाता है ये परंपरागत रूप से इस पूस के महीने में। पूस के महीने में ही बनाया जाता है, बिहार के घरों में ये चीजें बनाई जाती है। जितना चीनी भी डाल सकते हैं गुड़ की जगह? चीनी भी डाल सकते हैं, पर चीनी से ज्यादा अच्छा नहीं हो। अच्छा। ये मीठा से ही ज्यादा अच्छा। अच्छा। होता है। कुछ लोग ये जो मीठा मसाला होता है इसको मतलब कि इसका क्या, घी का भी उपयोग करते हैं? घी का भी, यार ये खोवा का भी बनता है ये। खोवा का भी उपयोग करते हैं? खोवा का भी बनता है। इसको इसके बाद ये आपने तैयार कर लिए हैं सारे, अब इसको क्या करेंगे? आप फ्राई करेंगे तेल में डालेंगे? नहीं नहीं, तेल में नहीं, इसमें ये जो गर्म पानी है ना इसमें डालेंगे। अच्छा, तेल में नहीं डालना? नहीं, तेल में नहीं डालना। तेल का इसका इसमें तेल का कोई उपयोग नहीं होता इसमें। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, तेल खाने से बचना चाहते हैं। वो इससे बड़ी खुशी खुशी खा सकते हैं। पीठा आपने पूरा एक तरह से तैयार कर लिया है। अच्छा, इसका कुछ खास कारण है कि इसको तेज उबलते पानी में ही डालेंगे? हाँ, क्योंकि अगर तेज ये गर्म पानी नहीं होगा ना तो पूरा घोल हो जाएगा, नहीं बनेगा। अच्छा, फैल जाएगा पूरा, इसीलिए पानी का उबलते हुए पानी में ही डाला जाता है। पानी में डाला जाता है। ठीक है, पानी में उबलते पानी में आपने डाला है तब भी ये, कभी ऐसा होता है कि इसका फटने का भी डर रहता है? अच्छा, तो इसीलिए आप उसको, मैं देख रहा था उसको पैक करते समय आप चारों तरफ से चेक कर रही थी कहीं से उसका कुछ कटा तो नहीं है, कहीं से कोई दरार तो नहीं रह गई है? अभी ये ठीक है, कहीं से फटा नहीं है अभी तक, पता चल गया है ये। अब कितनी देर तक इसको पकाएंगे आप? 5 मिनट लगेगा। ये थोड़ा सा रंग इसका बदल रहा है, कलर इसका चेंज, जैसे पकेगा उसी तरह इसका कलर चेंज होता है। अच्छा जी। परंपरागत रूप से 30 त्योहारों में बनाया जाने वाला ये पकवान सिर्फ गुड़ और चावल के आटे की सहायता से तैयार होता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समाज में संपन्नता आती गई, इसमें घी और खोवा और ड्राई फ्रूट भी शामिल होने लगे, तो पीठे के कई रूप अब देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो हम बना रहे हैं ये एक ट्रेडिशनल तरीके का पीठा है। हमारा पीठा तैयार हो चुका है, ये हल्का सा ब्राउन कलर का है, और चूँकि इसमें तेल बिल्कुल नहीं है तो इसको खाने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पीठा तैयार होकर आ गया है, थोड़ा सा पानी में पकने के बाद ये ऊपर का इसका जो लेयर है थोड़ा हार्ड है, और ये मैं नमकीन पीठा ट्राई कर रहा हूँ। और जिस तरह से आपने देखा कि ये एक तरह से इसके अंदर आलू वाला मसाला भरा गया था,
और ऐसे ही दाल मसाला भर के या और दूसरे तरीके से भी पीठा बनता है। इसकी खूबसूरती यह है कि इसे आप दही के साथ, चटनी के साथ या चाहे जैसे आप खा सकते हैं। बच्चे चाहें तो इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। मुझे सुहानी जी ने इसे अचार के साथ परोसा है, तो मैं इसका मज़ा अचार के साथ लेता हूँ। ये बहुत उम्दा है, एकदम पका हुआ है और आप शायद 2-3-4 पीस भी खा लेंगे तो ये कहीं से भी आपके शरीर को भारी पन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट जीरो है, कुछ भी हैवी मसाला नहीं डला हुआ है और ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट सा है। एक तरह से चावल के आटे की लेयर के साथ आप इस मसाले को खा रहे हैं। ये बहुत पका हुआ है तो थोड़ा खस्ता जैसा एक फील कराता है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बिहार की एक और मिठास से रूबरू कराएंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये कहावत बताती है कि खाजा को टके शेर बेचना किसी मूर्ख राजा का ही काम हो सकता है। बिहार की ये मिठास यहाँ की संस्कृति में एक खास स्थान रखती है। वैसे इस स्वादिष्ट खाजा के बारे में कई कहानियां कही जाती हैं। कहते हैं कि ये मिठाई सदियों पुरानी है। 12वीं सदी में लिखी गई किताब मानसोल लासा में भी इसका जिक्र आता है। एक अवधारणा है कि मैदे से बनी इस मिठाई का नाम खाजा खुद भगवान बुद्ध ने रखा था। अपने अनुयायियों के साथ बिहार के सिलाब की यात्रा के दौरान उन्होंने इसे चखा था। सिलाब बिहार के नालंदा में आता है। यहाँ बनने वाले खाजा को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने दिसंबर 2018 में भौगोलिक संकेत टैग यानी GI टैग दिया है। मैदे या आटे की बनी इस कुरकुरी मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले मैदे में तेल या घी मिलाकर उसे मोइन दिया जाता है। फिर आटा गूंधा जाता है। इसके बाद उसे पतला पतला बेलकर पेटीज की तरह तल लिया जाता है। फिर इसे चीनी की चाशनी में डालते हैं। इस तरह तैयार होती है बिहार की ऐतिहासिक और प्राचीन मिठास। इसी तरह का एक और अनोखा स्वाद है लाई, यानी गुड़ की चाशनी में परवल या मुरमुरे या लाई के बने लड्डू। ये मिठाई बिहार की खासियत है, जिसे यहाँ 12 महीने बनाया जाता है। जैसे लीची के साथ मुजफ्फरपुर, केले के साथ हाजीपुर, लड्डू के साथ मनेर, खाजा के साथ सिलाव का नाम जुड़ा है, ऐसे ही लाई के साथ बाढ़ का नाम जुड़ा हुआ है। आज भी बिहार की सीमा में जैसे ही ट्रेन घुसती है तो प्लेटफार्म पर बाढ़ की प्रसिद्ध मिठाई लाई जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। लाई बनने से पहले इसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। सबसे पहले धान को छिलके सहित 3 दिन तक भिगोकर रखा जाता है। उसके बाद किसान उसे घर में ही सुखाकर भड़भुजों के पास ले जाते हैं। भड़भुजे यानी जो धान को भूनकर उसमें से चिवड़ा मुरमुरा बनाने का काम करते हैं। वो इस धान को नमक के साथ गर्म भट्टी में भूनते हैं। उसके बाद इस भुनी हुई धान को मशीन में डालकर मुरमुरा या चिवड़ा बना लिया जाता है। लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आगे छानकर मुरमुरे या चिवड़े से छिलका अलग कर लिया जाता है। उसके बाद ये मुरमुरा हलवाइयों के पास पहुंचता है।
जहां अनुभवी हाथों से पकी हुई गुड़ की चाशनी के साथ इन मुरमुरों को मिलाकर तैयार होती है बिहार की प्रसिद्ध और खास मिठाई लाई। बिहार के खाने की सादगी और पौष्टिकता बताती है कि स्वाद और सेहत को बनाए रखने के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं होती, बस प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होता है। और बिहार ये भी बताता है कि स्वाद कैसा भी हो अमीर ही होता है।